सास सगत जी सारे गज के आवाज आवे अपना पवित्र करो। धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु हरि सिंह जी, धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। संत घरारा फिर ने बहुत कुछ दसिया सत्य पातशाह वास्ते और असं तो इन्होंने चरनी लगे सरनी लगे ही है सत्य पातशाह जी। ये फिर लाज रखते आए ने लाज रखे पर एक जहाँ रवाज मैं वेखिया गुस्से होने का रवाज बड़ा हो गया ऐसा मैंने आ चीज नहीं मिली मेरी आ चीज हो ही नहीं यह पता नहीं क्यों हों जाता है। मैं वो वक्त याद है कल सत्य पातशाह मेरे कृपा की मैं नाल लाटो लै गया इतने पिंड है। मैं याद आ गया अपना निका मुझे समा कि किसा हिस्सा ने वाल गड्डी का उतरते सतो अ किस तरह सिर पर अपने कपड़े कुपड़े चुक लेने से लाटो आना लाटो तो फिर अकाल बोलते चाहे स्नान पानी करना फिर आके दर्शन करने फिर रहना किसे जिथे पराली बिछी हो तब्बू हो जाके रहना कोई मन किसी आ चीज नहीं मिली। मेरे पिता जी नाल होंगे सन तो मैं एक बार आदि मत्था टेकना माता जीवन कौर जी ने जो जान लगा उदो टेकना तो माता जी ने कहना फूला सिंह तू सारा मेरा लगाता आए ही नहीं कोई चीज ले नहीं लंगरों आके कोई चीज पूछी नहीं आके पर अज सू यह चीज हो गई है कि आ चीज मैनू नहीं मिली मैं आ चीज नहीं मिली पर अजे भी वो शरीर है। परसों की गल है मेरे को संत महेंद्र सिंह जी गए संत महेंद्र सिंह जी कहे संत जगतार सिंह पिता हम तुम हिसाब ला लो कि रिश्ता जे रिश्ते वाले पास दिने से मैं शायद हमें ही आए मैं दर्शन चेचा मेरे डेरे गए उसे मैं अब खेल कल भी आए हैं मैं दर्शन फिर हूं हो पता नहीं लगा अगले जो डेरा नहीं सी मिले कि कल का दसो जो उन्हें भी डेरा नहीं मिले अजे तक कल का डेरे वास्ते लगे फिरते हैं तो असी मतलब इन गुस्सा कर दीजिए कि मतलब सानू आ चीज नहीं मिली सानू आ चीज नहीं मिली इस वास्ते अस इतने आने तो इतने इस शकल तुम मुसलमान का वेखो लिया कि मक्का जोड़ा इन्ना रुपया सऊदी अरेबिया को चाहे तो सड़क जी है वह सारी सोने भी बना देते लेकिन जोड़ा रस्ता पैदल चलने वाला रखे है ना वह पैदल चलने वाला रखे है गर्मियां ज्यादा नहीं थे लोग मैं अपने बच्चों लड़कियों कई बार आना मैं ना वेखो अब हादे ने फिर चली गई मेरे जीओ दी अपना अमरनाथ की यात्रा दूजी मैं क्या देखो इसे तीन चार महीने रस्ता खुलता है तो लोग किमें जाते हैं साढ़े कोल भैनी साहब सच्चे पातशाह ने असं नहीं जा सकते क्योंकि सानू माया ने मार लिया है और माया सू गल तू क्या की लैना है इतने इन्ने सुखने इतने तू इतने आ चीज खा ला इतने आ चीज पी लै नहीं मैं उधर संत मंदिर साहब वेख के उन्होंने मैं कुछ नहीं किया लेकिन मैं अपने मन के विचार मैं क्या देखो कि उच्च हस्ती रख रहे हैं कि इन्होंने ये जरा जल नहीं जलाया कि मैं छाया लो जी अजे कल तुम परसों साखी एक आई थी इतने सतगुरु राम सिंह जो उन्होंने सेवा ग्रंथ जो मैं कथा सुनी थी वो मेरे ख्याल इस नहीं आया कि जो गुरु अमरदास जी गए ने ना गुरु अंगद जी को तो फिर मैं बीबी भानी को घलिया कि मैं कुड़मा में चलिया तो जा बीबी जाके मैं बेड़ सद्या आया जाके जरा आ गया तो मैं आया जरा थोड़ा जहा सरकार हो जाए तो वह फिर बीबी भानी गई है तो फिर जाके सच्चे पातशाह नूं आखिया तो सच्चे पातशाह ने फिर वो उत्थे सिंह घले ने नाल भी आदर मान के नाल लैके उन्होंने आओ इतने तो जो सब महेंद्र फरीद बह देते काल मुंगे जो लाटो बह जाते तो बड़े सदे आए ने इतने मेले से लेकिन नहीं इतने आके मैंने डेरा नहीं मिलया तो फिर उन्होंने कोई गिला नहीं किया मैंने सुधारण की गल दसी जी सिर्फ क्या सरा मैं नहीं आया थर्ज मेरा सी तो दर्शन करता पर यह तुम विचारो सारे सब विचारना चाहिए कि वह किथे ने तो असं किथे हाँ तो इतने की होना चाहिए जो सब महेंद्र सिंह जी ने किया इस दिन सब बनना चाहिए जो कोई डेरा मिलया नहीं मिलया ये साडा काम अपना है सच्चे पातशाह से एवं नाराजगी करी जाऊंगी तो फिर हम मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा इतना असं आए या भदरबानी कहता आता मैं एक प्रसोद कल की थी
कि जे असी इत्थे साह सिचाज पूरा कीता खटिया तो फिर की खटिया। सो मेरी मिट्टी की अर्ज है, मैं कल का जिथे रखिया सी उत्थों वो शुरू करांगा। एक दो लाइन ने मैं अर्ज कर लगा। रहा तेरी रजा विच राजी, मन विच मैल ना आवे आए, तेरी निंदिया सुना करा ना, निंदक मन ना पाए। सतगुरु प्रताप सिंह जी सदा रहे ये कहंदे, खट पै के तुल है जे गुर ते सिख फिर जाए। कागज कलमा शाही मुके, जस न मुके तेरा, तेरे चरणा विच है किस्मत, यो आसरा मेरा। राय सिंह जी चरण मिले जो ओही चरण ने तेरे, यो चरण प्रताप गुरु दे, दृढ़ विश्वास है मेरा। उठन जिथे मैं कर्ज कर लवा, इस तरह जो सच्चे पातशाह ऐसा चलने लगा हीरला दौरा तो कोको ते सच्चे पातशाह चरणा च मैं अर्ज की, मैं मेरे घरों भी नाल सा कि सच्चे पातशाह फिर चरण कदों पाओगे। बिल्कुल पता जो सच्चे पास चलना हर का खराब होता ही है। सच्चे पास कह चरण चरण मेरे से खुबे हैं, उस वास्ते मैं फिर समझना कि मेरा जो भला हो रहा, मेरा बचा हो रहा है, वो सिर्फ मैं सच्चे पास चरना सड़का हो रहा है। मन मंगन की जाच ना मैनू, की मंगा मैं तेथों, जो कोई तेन चंगा लगे वो करवा रहा है मैथों। मेरी जेबा उपर बैठो, माड़ी मंग ना मंगा, अपने चरणा दे विच रखो दूर न होवां तेथों। जिन्हों तेरे चरण मिले ने भाग उस दे जागे, चरण कमरा तो दूर जो हो गया वो बन गया भागे। मेरे ते रह कृपा तेरी, हुक्म ना तेरा मोड़ा, हुक्म तेरे भी कार करा मैं सदा रहा तेरे लागे। कर्मा नाल न पुगना मैं थो, बख्शिश तेरी मंगा, मैनू बख्श बख्श लै मैनू, ये कहनो ना संगा। मैं भुला पर तू ना भुली, तेरी कृपा होवे, माड़े काम छुड़ा के मैनू आप बनाओ चंगा। तेरी उपमा तोहे बन आवे, गुरबाणी करे बयान, सिखी सिरक भरोसा बख्शो, नाम दान इशनान। धन तू तू धन है, धन मात पिता जिन्ना जाया, मेरा मान तू मेरा तान तू, तू ही मेरी शान। शाह संगत जी, कल मैं अर्ज कर रहा हाँ सिंगापुर की, तो सिंगापुर उदन एतवार सी, सच्चे पातशाह हुक्म किया तो गुरुद्वारे किन्ने ने इतने, मैं सच्चे पातशाह तो चार पांच गुरुद्वारे ने, चल सभी गुरुद्वारे चल रहे। उत्थे गुरुद्वारे उस वक्त हूं तो साढ़े में कोई भी असर नहीं, असर बार नौ दस बजे लग दीजिए, पर दवान जो अभी उसे बड़ा चंबा होंगे सी, उसे दवान नौ दस लगता सी, बारह दिन भोग पैदा होंगे सी। अभी जेडे गुरुद्वारे सन सुरिंदर साहब, मैं क्या तुम उन्होंने टैलीफोन कर दियो कि सच्चे पातशाह दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने टैलीफोन तो कर दिता। उन्होंने जिस रात चादर बिछाई आ सर सारे गुरुद्वारे ने, सच्चे पातशाह गए कृपा की, जिस मैंने हुक्म होया जो ग्रंथ साहब मथा टेकना सी, चाहिए डालर इतने टेकने ने, वो करके उन्होंने भी सिरे पाव दिते। सच्चे पातशाह पैसे तो लाए ना, हुक्म किया इसे लंगर में पा लियो। जो सारे गुरुद्वारे पूछ गए तो सच्चे पातशाह कहने लगे कि कोई होर भी इस गुरुद्वारा है ने। देखो अभी जो गुरुद्वारा मैं कल की, जो प्रधान से मिलिट्री वाला नेवल बेस वाला, वह हाँ जिक्र नहीं किया कि इतने है भी गुरुद्वारा। जब यह सर सच्चे सच्चे पातशाह पूछ लैन तो फिर झूठ बोलने का दिल नहीं करता। फिर मैं सुरिंदर सिंह वाल देखा, सुरिंदर सिंह मेरे वाले देखे, मैं हाँ सच्चे पातशाह है वे, अच्छा कितने है? मैं सच्चे पातशाह तो 14-15 मील दूर है, भी दूर सिंगापुर तो क्यों नेवल बेस है उत्थे है। तो कह लगे चलो अस चलिए। मैं सच्चे पातशाह वो है मिलिट्री के एरिए, फौजी एरिया है, उठे अगले फिर की है, अहा गुरुद्वारे जाना है, आप गुरुद्वारे चलना। मैं सच्चे पातशाह फिर अरदास सुनाई पी है, किसी ने अरदास दे ना देन हुक्म होया, ना देन के अरदास से वापस मुड़ा वहां गए।
हम साडा मन भी तो डरे कि उस वे गल आखी थी कि ना मैं स्वागत पर आना ना दीवान पर आना तो मैं जिन्ना चेर तुम ग्रंथ साहब का प्रकाश न करो उन्ना चेर मैं नहीं आना। दिल डरते कर अर्जी का करिए तो हुक्म हो गया फिर गड्डी चलनी नहीं सी। शाह संगत जी तुम ये बड़े हैरान हो गए पता नहीं उठे खबर किस तरह पहुंची उस गुरुद्वारे उतो 15 मील दूर से गुरुद्वारा वो सच्चे पाही गड्डी सब तो अगे सी बाकी होर 5-6 गड्डिया मगर सन शाह संगत दियां असं उत्थे पहुंचे अभी असी मैं उत आजाद लैन वास्ते काफी जिस तरह इतों लैके रामसर का तलाब हो जब जिथा अपना प्रधान मंदिर है एडी दूर थोड़ी ज्यादा गड्डी खराब हो फौजी एरिया शुरू हो जाता है तो सुरिंदर सिंह उतर लगे कि चल के मतलब लिया वा मैं अरदास लिया वा सच्चे पासे गुरुद्वारे जाना है तो उसे सानू इशारा हो गया दरवाजा खुल गया दो फौजी पायलट खड़ोते मोटरसाइकिल उत्ते उन्हें आख्या आ जाओ खालसा जी आ जाओ तुम तल मलना साढ़े मन के एक खुशी की लहर दौड़ गई तो आख्या सच्चे पासे कितनी खेड़े वरताईगी फिर मन डरे कि शायद पर कुछ कह इना उठे बा के पर तुम सच मनना जिस वे असं गए हाजर हो सतगुरु जी नाल सन जिस वे गए उठे असं अंज जाकर भी एक नाम तेरे पिंड जा बड़े हैं उठे मंजिया उस तरह जनानिया ने कपड़े सुकड़े पाए बच्चों चुके आया सच कोई सरदोर आखे कोई महाराज आख्या जी महाराज आ गया सरदोर आ गया यह मैं अपने कन्नी जिसे सुनया तो मैं बड़ा हैरान होया मैं आख्या चीज है सच्चे पाशे जिस वे गया जो गुरुद्वारे उन्होंने तिया गया जो दवान नहीं सी लगा जरा वह प्रधान जरा सी जरा आता कि मैं नहीं आना वह सेवा खड़ोता है उस वक्त सच्चे पाशे चरणिया फैलाया हाथ जोड़े तो आख लगा हाँ सच्चे पातशाह जी कुछ कृपा करो तो इधर हो आना मैं एक जहाज इतनी आया है उसे सबमैरीन आई हुई सी वो जहाज वहाड़ वा मैं वहा लिया उन्होंने उसे साफ सफेद जी इकट्ठी हो जाएगी सच्चे पातशाह ठीक है सच्चे पातशाह की कृपा की सच्चे पातशाह जरा सी अपना प्रधान नाल होर शरीर ये सच्चे पातशाह होर जो सिंगापुर नाल सी वह भी सन उन्हें सारा हवाई पानी वाले जहाज चले जाके एक एक चीज विखाई आ तो किसरा मार कर दी आ तो किसरा मार कर दी आ किन्नी दूर जाती है आ कि दूर जाती है किन्नी थले जाती है कितों किसरा होता है उस टाइम मेरे ख्याल कार्यकाल नहीं थे अद्धा मुन्ना घटा उसे टाइम भी रसियां वह लाया हो सर ज्यादा जो पर इन्ना घटो घट सी कि यह टाइम उसने ला के सगर उस शरदा द्वारा विखाया जिस असं नामचारी विखाने उस चीज सच्चे पातशाह ने अर्जा की हाँ मैं कर्ज भुल गया जिते जी गुरुद्वारे गया जी ने सिरपाओ दिते तो बोले वह बोले बाबा जी करके जो उन्होंने सतगुरों का स्वागत किया उस गुरुद्वारे पर यह जी गल करें सच्चे पातशाह या महाराज या सतगुरु जी मैं बड़ा हैरान मैं आख्या ये उदा आता मैं आना नहीं अपना स्वागत वास्ते मैं दवान में क्यों नहीं आना तो ये अज की बनिया पे है सो सच्चे पातशाह ने कृपा की वो सारा कुछ करके खड़ा हो चलो गुरुद्वारे गुरुद्वारे दवान लगा इस उन्होंने आसन बिछाए सच्चे पातशाह का सच्चे पातशाह आख्या जी कहे आखने नहीं ये हम सर कृपा करो इतने भी बैठो सच्चे पातशाह जी बैठ गया दवान लगा लगे जो दवान हटे फिर वह प्रधान हम बोलता उठ के बोलिया सतगुरों वास्ते शब्द कह लगा मैं एक गला मैं भुल जाना वा आप पंडित जी को फिर चेता आ जाता है जब एक दिन पहला जब उत्थ बार लगी साढ़े सच्चे पातशाह लाई असं पाने नील बस्तर लाए कपड़े फाड़े तो उधर दूजे पास हो रहे वो जो दूजे सिंह है उसने बड़ा ज्यादा रौला पाया कि बाणी में उलटाते हैं साडे मन से भी उदो शंका जो अभी गया नेवल बेस से वह फौजी ने वह डरना किसी को आया नहीं जो मेरे को गलबात घट की किस तरह करा पर वो कोई गल गल ही मुड़ गई वो प्रधान उठ के कह लगा अखे सुनते आए राम ने पीली ने झूठे बेर खाधे पर अज अखी देख लिया इन्ने इन्ने समुद्र दिया तकलीफा चल के कितों सच्चे पासे सानू दर्शन देन आए ने और अज कीड़े कारण नारायण आया ये शब्द उसने जो आखे ने सच्चे पासे सर बाह लम्मी करके हुक्म किया ना भाई ये गुरु का घर उसने की आखिया सच्चे पासे ने किवें कृपा की फिर सच्चे पातशाह वास्ते अर्ज हुई कि सच्चे पातशाह जी आप भी कृपा करो कुछ
ते सच्चे पातशाह फिर उठे फरमाया दसम दरस दादे आदि ग्रंथ दे बारे उर्दू जी ना मील के बच्चे कपड़े फाड़े ने वही गल सच पाए बदल कर दिता असल में साढ़े इतने असं दूह का इको मानता देने कि दसम ग्रंथ जोड़ा है सच्चे पात बड़ी शब्द होता तो कह रहे प्रधान से कोल बैठा आके सच पाए सब कह लगे मैनू ये तुम दसो कि असं गुरु गोबिंद सिंह मानने कि उन्हें सरबंस दान किया साहबजादे बलिदान माता जी बलिदान आप सच्चे पातशाह किस तरह नंगे चाबी लगे फिरे उन्हें की कमी सी दसम ग्रंथ के जी गुरबाणी दसम ग्रंथ ने उजरी हुई है तू सच मना तो मैं कोल बैठा है तो मैं भी डर लगे मैं आख सच्चे पातशाह बड़े खुले बंद कर रहे जिन्हें नामधारी संगत करी जाए पर यह होर तरह के ने सच्चे पातशाह वह वचन भी कर दिते कि असं इसे ही करने असं दसम ग्रंथ पूरी उन्हें सत्कार देने जिन्हें आदि ग्रंथ दई है उन्हें बड़े ध्यान न सुने और उस गल में मती होया कह बिल्कुल ठीक है जी तो फिर उसने की ऐलान किया तो सच्चे पाए चलने लगे कह लगा इतों रोज सवेरे बस जाए करेगी असारी वार वास्ते और कोई बाकी रहे एक दो दिन गए हैं उन्हें क्या सवेरे असारी वार वास्ते बस जाएगी तुम सारे जाओ जिन्हें जाना है और जे एक बस ना पूरी हो दो बसा कर देंगे क्योंकि फौजी बसा सब और शाम के दौरान भी चलेगी सवेरे चार चलेगी उसे छे भोग पैदा शाम में शायद चार या साढ़े चार तो लग साढ़े छे का टाइम से इस वे चले जाया करो तो बस से फिर साड़ी रौनक बन गई उसे सच्चे पातशाह विजय करवा से टोल कार तक आया और उस दिन हमें मथा टेका जो असं मथा टेक रहे हैं ये वो आदमी मैं अर्ज कर रहा जरा यह कहता है कि मैं ना तो दीवान चाहना ना मैं सच्चे पर स्वागत हवाई जहाज तो लैन जाना है सच्चे पातशाह किवें खेड वरताई किवें सच्चे पातशाह इस गल का पता लगा कि उसे गुरुद्वारा तो उसे आ गल की अभी कोई अर्ज नहीं की ये सारा पाना जो वर्त सारे खेड़ वर्त के ही सच्चे पातशाह कार आ गया जब गड्डी बह गया फिर मैं सारी चीज सच्चे पातशाह चलना जी सब ने इनको पता लगता हाँ ये सच्चे पातशाह जो रजाई हुए हैं दूजे पग की गल सवेर की है कि सच्चे पातशाह सारी वार फिर सारी रौनक बड़ी बन गई वो जो बस भरी भी आ जाए तो वो रौनक का बड़ा फर्क पै गया असारी वार तो हो गए आख सच्चे पास डेरे आए तो डेरे बैठे हूँ दूजे पर फिर चलने का टाइम से सच्चे पातशाह श्री नारायण सिंह जी ने मोदे में फर्क को बैठे थे पर मोदे में फर्क क्या कि चुप चुप हो तुम चुप ना रहो तुम आहो नहीं मैं ठीक आहो नहीं अगे वाली गल नहीं है आख लगे फिर मैं कोई अर्ज करनी है सोचा हाँ बड़ी जरूर नहीं आहो इतने कर लिया फिर नहीं जी मेरा जिसे डेरा से सचिव ने बख्शिया उसे सिंगापुर उतने इन्नी दूर जिन्ना प्रताप मंदिर इन्नी दूरी समुद्र का किनारा से अल उसे समुद्र के किनारे चलना है जे कृपा करो किसी जगह बिल्कुल ठीक है आखिर लगे एक श्री नैर सिंह कह रहे एक मैं होवा एक सच्चे पातशाह हो सतगुरु प्रताप सिंह जी एक सतगुरु हाजरा जी सतगुरु जी ये लाल हो एक मैं होगा मेरे घरों होगी होर कोई ना हो भाव से कि मैं लाल ना होव मैं सच पातशाह ठीक है नहीं होवगी तो घर मैं करो अपनी करो लै आवा नाल वो घर सी उन्हें करो बाबी करतार कौर जब घर गया तो घर जाके उन्होंने शायद दलील बदल गई मैं टेलीफोन उन्होंने किया मैं टेलीफोन हम टेलीफोन नहीं करना हम गड्डी जाओ जिस ठीक है जो जा सके पातशाह जी है तो गड्डी आ गई गड्डी आ गड्डी कोई आसन में पीछे आया मैं चरपड़ अपने घरों महिंद्र कौर आखिर मैं चरपड़ा गुरु छे पैसा आ गया मैं छे पे गड्डी आ गई है मिंद पर विचार देखे कुछ भी ना मैं क्या असल लिया चरपड़ सच्चे पैसा वास जो विछा लगे सच्चे पैसे करके बन गए तो सूबा रहा है तो चलो ज्यादा मेरे ज्यादा का पता है हम जिस गड्डी नहीं सही बैठ के जाना है मैं बड़ी अर्ज की पर मंजूर ना हो सके मैं उस बैठ के फिर चले गए पर बगले चले गए वो सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी दीन दयाल जी हाजरा सतगुरु जी तो भाई वजीर सिंह नाल गया उन्होंने जिसे देखा भाई वजीर सिंह जी नाल है तो उन्होंने भाई वजीर सिंह सजदा करता भाई जी तो हथले पौड़िया च बहने कोठे चले गए कोठे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी ये सच्चे पातशाह तो उन्होंने घरों तो सिंह रहे चारे सर इन्होंने मतलब फिर
जिसा किया जो कुछ जिथो गल बधी सी जो गल रिया तो बधी सी गुजरा वाले जो पाकिस्तानी से बनिया और उस वक्त यह सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु प्रकाश सिंह कल्या जिस तरह उच्चा देना वो सही कर ले पहला तो उन्हें सच्चे पास फिर मेरे ब्याह नहीं करना उन्हें क्या फिर ब्याह लाहौर कर लो अभी आ जाने फिर लाहौर भी नहीं करना उन्हें फिर क्या गुजरा ने कर लो जिथे करना कर लो अभी आ जाने फिर नहीं फिर आख्या तरीक में फिर ये सच्चे पातशाह फिर गए गरीब नवाज जी हुक्म इन्हें हुक्म किया सच्चे पास हुक्म है कि तरीक से भी कोई गल नहीं पर जंज ना टोवो विह कर लो उस तरह जिस सास जो विह होता है तो ये भी ने मने तो फिर इस गल तो मैं कहना भाव से तकरार काफी होया उ मैंने जो मैंने सच्चे पाए सब प्रताप ही हुक्म किया है कि भाई मैं तेरे सारा तो रखा सी कि जिन्हें गुस्से गिले जो तेरे अंदर रंजिश सारी छड़ दे तो मेरे को खुशियां ले लै पर रजाए सच्चे पातशाह जी सच्चे पातशाह उन्होंने किया कि मैं सूबा बना के तुम जाने इतना सिंगापुर पहले तो काफी मनिया ना खैर अखीर मने कि मैं सूबा बन जाना वा पर मैं दाढ़ी नहीं खोलनी दाढ़ी बनने लग पाया है दाढ़ा बड़ा वजह से होना फिर दाढ़ी बनने लग पाया है मैं दाढ़ी नहीं खोलनी तो कानून नहीं लानी कोर्ट में पाते हैं मैं सिलमा नहीं छड़ना सिलमा मैं खावा सिलमा बिल्कुल ठीक है तू जो चल चित करता कर पर सूबा बन जा सच्चे पास आने दिन दिस दे सर पर सारे किस तरह करके करो भाभी ने आख्या कि तुम जो तो सच्चे पास करते हो पहले तो तुम ये मन जाओ उन्होंने गल जी मन ली सूबा जरा उन्होंने सच्चे पास कृपा करती सच्चे पास दवाए पर सच्चे चेहरा उस तरह नहीं सी जिस तरह चेहरा होना चाहिए सच्चे पातशाह मैं तो अधिकारी नहीं सकता उस वे आपने जो खुशी का सच्चे पाशाह वचन दसिया तो उन्हें बड़ा खुश आखिया नहीं मनिया तो जोड़ा सूबे का वचन से यह सीधा हो गया तो तुम सूबा बना दिया तो मेरे मन च सर मैं अपने थाव मैं सुनिया कि पतूल नहीं लानी दाली भी नहीं खोलनी सिलना भी नहीं छड़ना मैं क्या सर साढ़े तो होर माड़ा पाएगा पर नहीं सच्चे पाशाह सारा पता होता है टाइम हो गया मेरा सच्चे पाशाह।